नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद्र पाटीदार और दोस्तों महबूबनगर तेलंगाना के प्याज लहसुन और आलू के भाव की रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों। तो आज है 5 जुलाई 2021। दोस्तों चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल की सदस्यता ले लें। चलिए जानते हैं सबसे पहले प्याज के भाव में क्या देखने को मिला है। तो एक्स्ट्रा सुपर प्याज 2200 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। मुकुल साइज का प्याज है वो 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। मीडियम साइज का प्याज है वो 1800 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। गोल्टा और गोल्टी प्याज की बात करें दोस्तों तो 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। गोल्टी प्याज 1000 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल और पांगल प्याज 600 से 800 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों प्याज के एक्सपोर्ट की बात करें तो प्याज एक्सपोर्ट इंडिया का भी हो रहा है और इम्पोर्ट किसी प्रकार का अभी कोई नहीं हुआ है, तो किसी अफवाहों में ना पड़े दोस्तों, लगातार प्याज निर्यात हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों लहसुन की बात करें तो एक्स्ट्रा बूम क्वालिटी वो 9500 से 10000 रुपये प्रति क्विंटल तेलंगाना महबूबनगर में जो हैं दोस्तों वहाँ पर बिक रहा है 9500 से 10500। फूल गोला लहसुन है वो 8200 से 8500 रुपये प्रति क्विंटल और लड्डू साइज का लहसुन है वो 7000 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। मीडियम साइज के लहसुन की बात करें तो 6000 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल और मोटी साइज की कली है दोस्तों तो 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। और लो क्वालिटी का लहसुन है तो वो 3500 से लगा करके 4500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो दोस्तों लहसुन का जो आयात है अब लगभग बंद होने के कगार पे हैं। जो लास्ट ऑर्डर था वो ऑर्डर अब आ जाएगा दोस्तों, और उसके बाद अब ऑर्डर नहीं होंगे। इस पर सरकार ने थोड़ा एक्शन भी लिया है अभी। इसके साथ ही पोटैटो रिपोर्ट्स की बात करें तो पोटैटो के लिए रेड सुपर क्वालिटी का है वो 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है और लो क्वालिटी का आलू है तो वो 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल भी कर रहा है। तो दोस्तों आयात भूटान से आलू किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने अगले वर्ष 16 जून तक के लिए अनुमति दी है भूटान को प्याज के आयात।